शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। हम सबके सामने तो तुम्हें अपनी बेटी नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कहेंगे, खूब तरक्की करो। हमारा इस परिवार में आने का एक ही मकसद है, महेंद्र सिंह चौधरी और उसके पूरे परिवार की बर्बादी। तो ये लहंगा अब एक सुंदर सी लड़की पहनेगी, और वो सुंदर लड़की है आप। मैं सुंदर सी वाइफ के लिए ये लहंगा लेकर आए, हम एक ऐसा ही कुर्ता भी लेकर आए, हम भी वही पहनेंगे, मैचिंग मैचिंग। गौरव, ये सब क्या है? तुमने तो कहा था तुम वही रंग का कुर्ता पहनोगे मेरे लहंगे से मैच करके, मैचिंग मैचिंग। ये कुछ ज्यादा ऑड नहीं हो गया? तुम्हारे और गौरव के कपड़े सेम कलर के होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो गौरव और गहना के कपड़े एक कलर के हो गए। गौरव, आज बहुत अच्छे लग रहे हो तुम। थैंक यू। आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, किसी की नजर ना लगे तुम्हें। गहना, तुम किसी भी रंग का कपड़ा पहनो, हर रंग तुम पर सजता है, हर रंग में खूबसूरत लगती है। विसर्जन की विधि आरंभ करते हैं। जी, हम पूजा की तैयारी कर लेते हैं। भगवान भी हमें एक करना चाह रहे हैं। आज सिर्फ हमारे कपड़े ही एक नहीं हुए, हमारे दिल भी एक हो चुके हैं। अब तुम हमें कितने भी बेरुखे दिखाओ, जितना चाहे उतना अनदेखा करो, पर हम जानते हैं तुम हमसे प्यार करती हो। और सच तो ये कि आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। झुमकी झुमकी, ये सारी गड़बड़ ना उसी की वजह से हुई है। एक बार मुझे मिल गई ना, उसे छोड़ूंगी नहीं। कहाँ गई यार ये लड़की? झुमकी रुको। उर्वशी मैन, हमें जाने दीजिए। चुप, बिल्कुल चुप। ये जो चेन है ना झुमकी, इसी से तुम्हारा गला घोट के तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। और ये तुमने क्या किया, ये ड्रेस की अदला बदली कैसे हुई बोलो झुमकी? तुम हमने कुछ नहीं किया। शट अप, हटिए यहाँ से, हमें पूजा की तैयारी करनी है और विसर्जन का समय भी हो गया। अरे जब भगवान हमें एक करना चाह रहे तो तुम्हें क्या परेशानी है?
महेंद्र जी, आपकी लोकप्रियता तो सचमुच बहुत है, जीते हैं तो आप ही। वंश जी, अभी तो लोगों ने आना शुरू किया है, अब देख रहे हैं ये लोगों का स्नेह, लोगों का प्रेम, ये ऐसे नहीं है, इसके पीछे हमने बहुत मेहनत की है तब जाकर इतना प्यार पाया है। ढोल वाला कहाँ चला गया? Gehna! Gehna! तुम्हें खबर दी थी, सब कुछ बताया था, फिर भी एक काम ठीक से नहीं हो पाया। तुम्हारा आदमी ठीक से वार नहीं कर पाया। और सोचने वाली बात तो ये है कि एक लड़की कवच बनकर आई और तुम्हारे आदमी को रोक लिया। इतना अच्छा मौका था और तुमने गवा दिया। कोई एम्बुलेंस को कॉल करो, कोई पुलिस को फोन लगाओ। गहना, महेंद्र जी आप परेशान मत होइए, मैं देखता हूँ। विसर्जन का कार्यक्रम आप खत्म कीजिए, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। गौरव बेटा, इसे घर के अंदर ले चलो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। जाओ जाओ, ले जाओ इसे, संभाल के ले जाना। चलो चलो। लोग, तुम बाकी के परिवार वालों के साथ विसर्जन का कार्य पूरा करो, हम वंश के साथ जाते हैं। जी हम करते हैं, फिक्र मत करिए।
छोटा सा काम नहीं हो पाया तुझसे? बाहुबली बोलता है ना अपने आप को तू? वो लड़की निहत्ती थी और ऊपर से अपनी शक्ल दिखा के आ गया तू? शक्ल दिखा दी तूने अपनी? शक्ल दिखा दी तूने अपनी? माफी मालिक, मालिक माफी, गलती होगी, गलती हो गई, गलती होगी, गलती हो गई मालिक, मुझे पता नहीं था वो लड़की अचानक से बीच में आ जाएंगी। अरे निहत्ती थी वो लड़की, नहीं संभाल पाया तुझसे। शुक्र मना कि आज मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, मुझे चाहिए महेंद्र सिंह की बर्बादी और इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा गौरव और गहना को। तू लग जा अपने दूसरे प्लान पे। इस बार अगर गलती हुई ना तो समझ लेना वो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। निकल। आराम से तुम घबराओ मत गहना, एक मिनट। उर्वशी बेटा जाओ, जाके देख के आओ विसर्जन हुआ कि नहीं। जाओ। जी माँ, प्रार्थना के साथ हम गणेश जी का विसर्जन अच्छे तरीके से करके आए। गणपति जी की कृपा है कि सब कुछ ठीक से हो गया है। उर्वशी, ओ गॉड, यहाँ मुझे ये पता लगाना है कि आखिर गौरव गहना है कहाँ और यहाँ ना जाने किन कामों में मुझे फंसा रखा है। बेटा ये जल सब पे छिड़क दो और फिर टीका कर दो सबको। लो। अरे चौकी तो रख दो बेटा। ठीक है, अब सुनो आरती करनी है। बचाना चाहती हूँ गौरव को, तुम उसे बचाने का यही एक तरीका है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि गौरव को तुम्हारे वजूद से भी नफरत हो। कहना क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें हमसे दूर जाना है ना तो तुम चली जाना, लेकिन पहले ठीक हो जाओ। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो तुम्हें हमसे इतना दूर जाने पर मजबूर कर रही है? कहना कब से तुमसे पूछ रहे, हमें बताओ ना ऐसी कौन सी मजबूरी है? हम जानते हैं ना कुछ तो बात। अब तुम कैसी हो गहना? वो कहते हैं ना कि कर्म का फल मिलता ही है। अब देखो ना, आज तुमने इतना खून बहाया है, मेरे पति की जान बचाई है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए फ्रूट्स लेकर आई। मैडम, इस सब की जरूरत नहीं है। जरूरत है गौरव, वो कहते हैं ना कि एक खरबूजा ही दूसरे खरबूजे को देख के रंग बदलता है। तो जब इस घर का दामाद एक नौकरानी के लिए इतनी फिक्र कर सकता है तो मेरा तो फर्ज बनता ही है ना कि मैं। कहना हमारे लिए नौकरानी नहीं है। नौकरानी नहीं, सॉरी, बचपन की दोस्त, खास दोस्त। गहना जब खांसती भी है तुम कितने परेशान हो जाते हो। तो मुझे भी तो फिक्र है ना गहना की। अब हटो गौरव, मुझे अपनी गहना को फ्रूट खिलाने दो। फ्रूट की ना एक खासियत होती है, फ्रूट जब कच्चे खाते हैं तो वो पच जाते हैं और कभी कभी जब अनाज भी पका के खाते हैं तो वो नहीं पचते। और मेरा खिलाया हुआ लोगों को कहाँ ही पचता है, लेकिन तुम खाओगी ना तो तुम्हें पच जाएगा। कर्म का फल है ना, इसलिए।
लो। नहीं मैम साहब, हमें नहीं खाना, हमारा मन नहीं है। मन का क्या करे गहना, मन तो कभी मानता ही नहीं है। वैसे मानती तुम भी कहा, हर बार गौरव को बचा जो लेती हो। अब तुम्हारे एहसानों के आगे ना मेरे थैंक यू हमेशा ही कम पड़ जाते हैं। मैं सब जानती हो गहना, कितनी बार सोचती हूँ कि तुम्हारे एहसानों के बदले तुम्हारा हाथ छूम लूं, और देखो ना आज मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वो मौका मिला। और बीमारी के टाइम पे ना मन के बारे में ये सब सोचते नहीं है, तो बेमन फ्रूट्स खा लो प्लीज, मैं खिलाऊंगी तुम। खाओगे ना? इतनी अच्छाई उर्वशी मैडम में, इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं? कहीं उर्वशी मैडम ही तो असल वो मजबूरी नहीं है जो गहना को हमसे दूर कर रही है? ये है उल्टी की दवाई, अब तुम्हें पता चलेगा गहना कि असली कमजोरी क्या होती है और बॉडी में पानी की कमी क्या होती है। क्योंकि तुम्हारे खून बहाने से भी ना मेरी आंख से तो पानी निकलेगा नहीं। गहना क्या हुआ? रुको गौरव, अब एक नौकरानी के पीछे पीछे तुम बाथरूम भी चले जाओगे? मैं चली जाती हूँ। उर्वशी मैडम, ये लीजिए भूख का प्रसाद, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, कम से कम ये तो खा लीजिए। ये लो गौरव खा लो, तुम खाओगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने खा लिया। मैंने खा लिया गौरव, ऐसे नहीं कहते, ये प्रसाद है गौरव, अक्षगुण माना जाता है। कहना, कहना क्या हुआ तुम्हें? बैठो बैठो इधर बैठो, तुम ठीक हो? नहीं, हमें बहुत अजीब सा लग रहा है, इतनी देर में अभी तक हमने 3 बार उल्टी कर ली। फल खाने के बाद अचानक से इतनी उल्टी, कहीं फल में तो कुछ? वो एक्चुअली गहना का बहुत खून रह गया है ना, अब उसकी बॉडी में पानी भी नहीं टिक रहा है। मैं अभी उसके लिए ना ग्लूकोज का पानी लेकर आती हूँ। चलो झुमकी चलो। कुछ तो गड़बड़ किया है उर्वशी मैडम ने। कुछ तो है, कोई ना कोई चीज तो जरूर है जिसकी वजह से गहना की तबीयत खराब हुई है, वो चीज यही होनी चाहिए। हे गणपति बप्पा, हे विघ्नहर्ता, अब पूरे साल आप हमारे परिवार की रक्षा करना, सबको सही रास्ता दिखाना, कोई अनहोनी ना होनी पाए भगवान। हे गणपति बप्पा, आप सदैव चमत्कार दिखाते रहते हैं, हमारे घर को और परिवार को सभी बुराइयों से दूर रखते हैं। अब तो विघ्नहर्ता भी इस परिवार के विघ्न को दूर नहीं कर पाएंगे। यह है वो चीज जिसकी वजह से गहना की तबीयत बिगड़ी है। ये पता लगाना है कि ये उर्वशी ने गहना को जानबूझकर दिया या अनजाने में। और ये हम उर्वशी से पूछेंगे नहीं, खुद बताएगी।
पहले ये दवाई हमें किचन के डस्टबिन में मिली और अब आपके कमरे में। पहले तो सिर्फ शक था हमको आपके ऊपर, लेकिन अब पूरा यकीन हो गया कि आप गहना को तकलीफ देना चाहती हैं, उसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। तुम्हारी पसंदीदा चीज में अच्छा हर चीज में नखरा दिखाओगी। गौरव छोड़ो, अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।